छावनी थाना अंतर्गत बस स्थानक परिसर के प्रसंग लॉन से सटे नगर परिषद सावनेर के छोटे उद्यान के पेड़ों के करीब एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 30 मई की सुबह उद्यान के किनारे किसी अज्ञात युवक का शव होने की जानकारी सावनेर थानेदार मारुति मुलुक और हित ज्योति फाउंडेशन के तेज बंसोर को प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव का मुआयना कर उक्त शव को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर रवाना कर थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में ASI अनिल तिवारी CPI रविन्द्र भेलावे कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का शव रास्ते के किनारे पड़े होने की जानकारी प्राप्त होते ही लोगों का जमावड़ा लगने और घटना की सूचना सावनेर पुलिस और बेसहारा बेबस मनोरुंगड़ाने के उत्थान हेतु कार्यरत हित ज्योति फाउंडेशन के तेज बंसोर को प्राप्त होते ही घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल पंचनामा कर मृतक की शिनाख्त न होने से उसके शव को नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल रवाना कर प्रसिद्धि माध्यमों से युवक की पहचान कराई जा रही है। मृतक युवक की उम्र करीब 28 से 30 वर्ष बताई जा रही है। युवक करीबी मध्य प्रदेश से होने और काम के सिलसिले में यहां आया हो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। युवक के शव के पास मिट्टी कलर का बैग जिस पर अनुभूति बेंच टाइगर रिजर्व सिवनी लिखा हुआ है और उसके पास से मालवी ट्रांसपोर्ट छिंदवाड़ा टिकट प्राप्त हुई है। इस युवक को अगर कोई पहचानता हो तो सावने पुलिस स्टेशन के 07113232209 और हित ज्योति फाउंडेशन के 7881616333 पर संपर्क कर सकते हैं। आज सुबह हमको एक अज्ञात बॉडी मिली बस स्टैंड सावनेर के प्रसंग लॉन के पास में। हम घटनास्थल पे जाके देखा तो वो एक मजदूर था जो काम करने के लिए आया होगा। वैसे हमने सावनेर पुलिस स्टेशन से संपर्क करके मारुति मुड़क प्रिया पाटिल सर घटनास्थल पे पहुँचे। इसके जेब में हमको एक चिट्ठी मिली जो कि टिकट थी छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जाने वाली। शायद उसके पास ऐसा कोई आधार कार्ड वगैरह था नहीं। आगे की जांच सावनेर पुलिस स्टेशन कर रहे। अगर आप में से कोई अगर इसको जानता होगा तो सावनेर पुलिस स्टेशन से जरूर संपर्क करें। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर हुंडेले की रिपोर्ट।